आंसर आएगा 61 का पाउंड वही आ जाएगा 84 84 जो है कंपोजिट नंबर है ये तो कैंसिल हो जाएगा किसी भी टेबल से 2 से भी 4 से भी मगर 61 कैंसिल नहीं होगा और कैंसिल करने के लिए ज़रूरी होता है कि ऊपर नीचे दोनों डिजिट कैंसिल हो ये नहीं हो रहे तो यही हमारा आंसर है। एक और क्वेश्चन एक्सप्लेन कर देती हूँ आ जाए स्टूडेंट जैसे स्टूडेंट क्वेश्चन 6 है आपका क्वेश्चन 6 में प्लस और माइनस दो अलग अलग साइन थे इसलिए मैंने ये सॉल्व किया आपके लिए 3/4 प्लस 1/8 माइनस 2/5 सेम मेथड है 4, 8, 5 तीनों का एलसीएम निकालेंगे हम क्वेश्चन राइट करने के बाद और वही मेथड यूज़ करेंगे जो हमने पहले यूज़ किया था। देखिए आप वर्किंग में मैंने 4, 8, 5 का एलसीएम निकाला है 2 के टेबल से 2 2 4 2 4 8 5 ऐसे आ गया 2 1 2 2 2 4 5 फिर वैसे ही आ गया अब भी 2 बाकी है तो इसलिए फिर 2 से कैंसिल करूँगी 1 वैसे ही 2 1 2 और 5 फिर मैंने रिपीट कर दिया अब ये 5 रह गया ये प्राइम नंबर है अपने टेबल से कैंसिल होगा 1 दोनों रिपीट हुए 5 1 5 इस तरह ये मेरा एलसीएम हो गया एलसीएम को मैंने राइट किया 2 2 4 4 2 8 8 5 40 अब मेरे पास एलसीएम 40 आ गया मैंने तीनों जो फ्रैक्शन थे वो मैंने यहाँ लिख दिए वर्किंग में फर्स्ट जो था फ्रैक्शन 3/4 था सेकंड था 1/8 और थर्ड था 2/5 पहले मैंने तीनों फ्रैक्शन लिख दिए फिर मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 मल्टीप्लाई बाय 40 ये 40 क्या है एलसीएम है हमारा। अब मैंने सबको कैंसिल करना है देखिए मैंने इन दोनों को कैंसिल किया 4 1 4 4 1 4 0 पर ट्रांसफ़र हो गया कैंसिल हो गया ये मेरे पास यहाँ 10 है और यहाँ क्या है 3 और बीच में साइन किया मल्टीप्लाई का 3 10 30 यानी फर्स्ट फ्रैक्शन की जगह मेरे पास आ गया 30 सेकंड फ्रैक्शन था 1/8 मल्टीप्लाई बाय 40 40 एलसीएम है मेरा 8 1 8 8 5 40 कैंसिल हो गया मल्टीप्लाई का साइन है 1 को 5 से मल्टीप्लाई करूँगी 1 5 5 दूसरे फ्रैक्शन की जगह मेरे पास आ गया 5 थर्ड फ्रैक्शन देखिए 2/5 मल्टीप्लाई बाय 40 5 1 5 कैंसिल किया 5 8 40 कैंसिल हो गया ये भी अब मल्टीप्लाई है दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी 2 8 16 तीनों फ्रैक्शन की जगह मेरे पास 3 डिजिट आ गए 30 5 16 अब मैंने इन तीनों फ्रैक्शन की जगह जो है लाइन ड्रॉ करके एलसीएम लिखा और तीनों फ्रैक्शन की जगह वो डिजिट लिख दी जो कैंसिल करने के बाद मेरे पास आए थे।